हेलो दोस्तों, बॉन्जोर इंडिया चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो ताज़ा स्नोफॉल हुई है, फ्रेश स्नोफॉल हुई है गुलमर्ग फेज टू अफरवात में, सोनमर्ग जीरो पॉइंट में, साथ ही सोनमर्ग थाजीवास ग्लेशियर पे भी हल्की फुल्की स्नोफॉल हुई है। और कल की ये एटीवी राइड के वीडियोस हैं कल शाम की, क्योंकि कल दोनों फेजेस ऑपरेट नहीं हुए थे दोस्तों। वेदर खराब होने की वजह से अफरवात को पहले ही क्लोज कर दिया गया था, बट इन्होंने फेज वन भी स्टार्ट नहीं किया दोस्तों, मेंटेनेंस में कल का पूरा दिन इन्होंने डाल दिया। इन सारी बातों को टेलीग्राम पे पहले ही अपडेट कर दिया गया था दोस्तों। इवन आज भी जो कंसर्न गंडोला एडमिनिस्ट्रेशन है दोस्तों, ये दोनों फेजेस को बंद रखने के फेवर में थे। इवन दो जो क्लाइमेट है वो सुधर गया था, फेज वन स्टार्ट किया जा सकता था, बट इन्होंने लेट तक फेज वन भी स्टार्ट नहीं किया। फिर जो हमारे कंसर्न रिप्रेजेंटेटिव है गुलमर्ग में, जो की गुलमर्ग टूरिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है, इन्होंने यहाँ प्रोटेस्ट किया और जो चेन बैरियर लगी होती है टूरिस्ट को रोकने के लिए अंदर जाने से, उसको वहां से तोड़ा निकाला। उसके बाद हमारे जो पर्सनल गाइडेंस मेंबर्स है साथ ही जो बाकी टूरिस्ट है, उनको फेज वन के लिए एंट्री मिली और फेज वन एटलीस्ट आज हो पाया दोस्तों। और ये आपके सामने दूध पथरी की रिसेंट वीडियो है। जब वेदर थोड़ा क्लियर होगा तो इस तरह आपको दूध पथरी अभी दिखेगी दोस्तों, सनलाइट में इस तरह का सीन आपको यहाँ दिखेगा। बहुत ही अच्छी जगह है, आप सबको यहाँ आना चाहिए। खास बात यह है कि यहाँ आने के बाद आपको शाम में भी टाइम मिल जाता है, आप लोकल सिटी टूर कर सकते हैं, लाल चौक वगैरह घूम सकते हैं। सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे रेगुलरली बताए जाते हैं दोस्तों। आज के भी जो गंडोला के सीन थे वो रेगुलरली अपडेट किया गया है टेलीग्राम पे। और ये आपके सामने 3 दिन पहले की जो है अफरवात की वीडियो है, आप देख सकते हैं फ्रेश स्नो आई है, आगे भी और स्नो आने वाली है क्योंकि वेदर अभी कुछ दिन और डिस्टर्ब रहेगा दोस्तों। तो जो लोग अभी आने वाले 15 दिनों में आ रहे हैं उनको ये रिसेंट स्नोफॉल्स का फायदा मिल सकता है दोस्तों। आगे हम जीरो पॉइंट की वीडियो भी देखेंगे, वहां पर भी फ्रेश स्नो आई है। टेलीग्राम पे पहले ही अपडेट किया जा चुका है कि जिन लोगों का राइड कैंसिल हो गया वेदर के वजह से, उन सब को रिफंड मिलेगी दोस्तों। बस आपको प्रोसेस फॉलो करना है, ऑटोमेटिक रिफंड का प्रोविजन है ऐसे केस में। बट फिर भी जिस साइट से आपने गंडोला बुकिंग की थी, टिकट्स बुक किया था ऑनलाइन, उसी साइट में आप नीचे लिंक देखोगे फॉर कैंसिलेशन एंड रिफंड रिक्वेस्ट। उस लिंक पे जाके आप अपने सारे डिटेल्स फिल करोगे तो टाइमली आपका जो है 20-25 डेज के अंदर रिफंड आ जाएगा। इससे पहले भी आ सकता है दोस्तों, क्योंकि धीरे धीरे इन सारे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। और जो लोग गुलमर्ग आकर फेज वन फेज टू दोनों राइड्स नहीं कर पाते, उनके लिए क्या ऑप्शन है ये भी टेलीग्राम पे बताया जाता है। दो साइटसिंग ऑप्शन है यहाँ, एक है बटपथरी जो कि पीओकी रीजन के पास पड़ता है, ये गुलमर्ग से नजदीक है दोस्तों, अराउंड 12 किलोमीटर। और दूसरा साइट है ड्रंग बाबर ऋषि और निंगली नाला निंगरी रिवर टूर, ये जो है तंगमर से नजदीक पड़ता है, अराउंड आपका जो है 30-35 किलोमीटर राउंड ट्रिप का, ये सेकंड वाला जो मैंने बताया ये होता है दोस्तों। बट पत्थर के लिए अराउंड 3500 कैब रेट है गुलमर्ग से दोस्तों, गुलमर्ग टू गुलमर्ग। और बाबर ऋषि जो सेकंड मैंने आपको बताया उसके लिए 4500 कैब रेट है दोस्तों। बटपथरी मिलिट्री एरिया में लाई करता है, पीओके रीजन के जस्ट पास है ये, तो यहाँ जाने के लिए एडवांस में पुलिस परमिशन लेनी होती है, साथ ही एक प्रोफेशनल गवर्नमेंट गाइड का भी आपके साथ होना जरूरी है। वही जो है परमिशन लोकल पुलिस स्टेशन से आपके लिए लाते हैं दोस्तों। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ काफी डिसऑनेस्ट लोग भी हैं जो कि बटपथरी या बाबा ऋषि निंगली रिवर की जगह कहीं और आपको ले जाते हैं और फिर पूरे पैसे ले लेते हैं दोस्तों, इसलिए अवेयर होना बहुत जरूरी है। टेलीग्राम फॉलो करें, टेलीग्राम में जो भी डिटेल्स दिए जाते हैं उसको नोट करके रखें दोस्तों, क्योंकि ये सारी बातें हर जगह होती हैं दोस्तों। सोनमर्ग में भी, पहलगाम में भी कुछ पॉइंट्स बताए जाते हैं और ले जाते हैं कहीं और, बाद में टूरिस्ट को पता लगता है कि जो एक्चुअल पॉइंट्स था वहाँ तो वो लोग जा ही नहीं पाए, तो ऐसे लोगों के संपर्क में ना आए। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे केसेस में आपके ड्राइवर का भी रोल होता है दोस्तों, जो श्रीनगर बेस्ड आपका ड्राइवर होगा उसका भी इन बातों में रोल रहेगा दोस्तों। क्यों की बात करें तो दोस्तों थोड़ा सा जो है स्लो हुआ है, क्योंकि जून एंड ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए क्यू जो है पहले से कम है। अगर आप सुबह 9 बजे तक यहाँ पहुँच जाते हैं दोस्तों, तो आप कंफर्टेबली अपनी राइड जो है 4 से 5 घंटे में रैप अप कर सकते हैं दोनों फेसेस की, प्रोवाइडेड दैट वेदर फाइन रहता है और गंडोला राइड्स डिले नहीं किए जाते दोस्तों। और ये जो नज़ारे हैं ये बटपथरी के नज़ारे हैं दोस्तों, ऑन द वे जो सीन्स आएंगे उसके ये नज़ारे हैं। आगे आपको ड्रंग बाबा ऋषि साइड के भी पिक्स आपको दिखेंगे दोस्तों। ये सारे पिक्स भी दोस्तों गुलमर्ग साइट सीइंग के हैं। जब आप गुलमर्ग से कार टूर करोगे, कैब टूर करोगे, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये जो है निंगली रिवर के आसपास का ये सीन है, आप देख सकते हैं इस तरह का नज़ारा आपको वहाँ दिखेगा। बटपथरी हमेशा ओपन नहीं रहता, तो निंगली रिवर का जो टूर है ड्रंग बाबा ऋषि निंगली रिवर, ये आप कर सकते हैं। और ये गुलमर्ग फेज टू के जो रिसेंट जिसके बारे में मैंने आपको बताया,
पहले से स्नो कवर इम्प्रूव हुई है, बट ये ज्यादा दिन तभी टिकेगी दोस्तों जब और फ्रेश स्नो यहाँ पे आएगा। और ये हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, जितने भी पिक्स आपने देखा इन सबको हम पर्सनली गाइड कर रहे हैं। यदि आप भी कश्मीर के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो आप भी हमारे पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा काफ़ी समय एफर्ट्स लगता है, 1-to-1 गाइडेंस होती है, इसलिए इसके नॉमिनल चार्जेस रखे गए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे दोस्तों। यदि आप हमारे टाइम एंड एफर्ट्स के लिए हमें सपोर्ट करने के लिए रेडी हो तो हम भी पूरे ट्रिप एंड तक आपको गाइड करने के लिए रेडी हैं, कॉल पे, मैसेज पे, साथ ही आप हमारे नेटवर्क का भी फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। और ये आपके सामने जो वीडियो है ये आज की वीडियो है दोस्तों, सोनमर्ग 0 पॉइंट की। आप देख सकते हैं फ्रेश स्नो यहाँ पर आई है, जैसे गुलमर्ग फेज 2 में आई है वैसे यहाँ पर भी आई है। जो लोग अगले 7 से 10 दिनों में कश्मीर विजिट कर रहे हैं उनको इस बात का फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में और भी स्नोफॉल होंगी दोस्तों। हालांकि ये जो स्नो है ये ज्यादा दिन नहीं टिकती है, क्योंकि इसमें वाटर का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है। इस टाइम जो स्नो होती है जून में जुलाई में ये ज्यादा दिन टिक नहीं पाती दोस्तों। स्नो देखने के साथ साथ ट्रेकिंग का भी बहुत अच्छा माहौल है, पहलगाम में बहुत अच्छे ट्रेकिंग्स हो रहे हैं, ट्रेकिंग्स भी आप कर सकते हैं। आपको 1 नाइट जो है एक्स्ट्रा लेकर चलना होगा, नाइट कैंपिंग के साथ ट्रेकिंग हो रही है दोस्तों। इवन गुलमर्ग फेज 2 से भी आप अल पत्थर लेक की ट्रेकिंग कर सकते हैं, अराउंड 3 घंटे ये है, आना जाना लेकर 3 घंटे आपको लगते हैं। कश्मीर के जो बेस्ट ग्रुप्स हैं दोस्तों ट्रेकिंग के लिए ये हमारे साथ हैं, फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। और ये सोनमर्ग के लेटेस्ट व्यूज है दोस्तों, ये थाजीवास ग्लेशियर से रिटर्न होते टाइम की ये वीडियो है। जब आप थाजीवास राइड कंप्लीट करके वापस अपने ओरिजिन पॉइंट पे जाओगे तो ऐसा लुक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि थाजीवास की जगह कहीं और ले जाते हैं और उसे ही थाजीवास बता के हाई रेट्स ले लेते दोस्तों, तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। जिन्होंने पहलगाम में 2 नाइट स्टे किया है या 1 नाइट भी स्टे किया है, राफ्टिंग ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, बहुत आपको यहाँ पे मज़ा आएगा, क्योंकि पानी जो है वाटर लेवल अभी इंक्रीज़ हो गई है ग्लेशियर्स के पिघलने से, तो आपको काफ़ी फन मोमेंट यहाँ पे लगेगा। जिनके भी होटल्स राफ्ट पॉइंट के आसपास हैं उन्हें राफ्टिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम डिस्टेंस पे राफ्टिंग के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से लोकेटेड है दोस्तों। जो लोग अभी आ रहे हैं वो 2 नाइट्स या 1 नाइट एटलीस्ट पहलगाम में रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ आइटिनरी। साथ ही तंगमर या गुलमर में भी आप 1 नाइट स्टे कर सकते हैं, यदि आपको गंडोला राइड के साथ लोकल साइट सींग भी करना है गुलमर में तो आप वहां पर भी 1 नाइट स्टे कर सकते हैं दोस्तों। जो लोग अभी जम्मू श्रीनगर बाई रोड आ रहे हैं उनको बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। ट्राई करें कि अभी आप अगर पॉसिबल है तो फ्लाइट से जो है श्रीनगर आएँ दोस्तों, रोड अभी अवॉइड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और घंटों ट्रैफिक जो है डिसरप्ट हो रहे हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।